हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। सो गाइस, ये है मेरी क्रेटा 2021 मॉडल। अभी 2022 में भी अभी फिलहाल यही मॉडल चल रहा है। तो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ इसके वाइपर कंट्रोल्स और इसके हेडलाइट कंट्रोल्स के बारे में। अब गाइस, मुझे पता है बहुत लोगों को इसकी नॉलेज होगी, बट मेरे बहुत सारे भाई हैं ऐसे जिन्होंने अभी हुंडई की नई गाड़ियां खरीदी हैं, एंड मुझे फील हुआ है कि मेरे पास मारुति की पहले गाड़ी थी, अभी मैं टोयोटा भी यूज़ कर रहा हूँ, उसके हिसाब से ये थोड़े से कंट्रोल्स डिफरेंट है। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना देता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, एंड गाइस मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। इससे मेरे चैनल को बहुत हेल्प होती है एंड मेरे को मोटिवेशन मिलती है कि मैं और नए नए अच्छे वीडियोज़ बनाऊँ। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो स्टॉक है इसमें टोटल कितनी मूवमेंट्स होती हैं। इसमें आपको सबसे पहले मिलता है ऊपर एक कंट्रोल, ये तीन बार जाता है नीचे, ये जैसे कि आप देख सकते हैं तीन बार नीचे गया है। इसमें आपको ये मिल जाता है आपका रियर वाइपर का कंट्रोल, आप इसको अपने तरफ खींच सकते हैं, और एक ये जाता है पीछे की तरफ। गाइस, ये है इसका वाइपर का इंटरमिटेंट का कंट्रोल, ये सिर्फ फ्रंट वाइपर के लिए, आपका रियर वाइपर के लिए नहीं। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार बात करना चाहूंगा इसके वाइपर के साइज के बारे में। इसमें आपको ड्राइवर साइड में मिलता है 24 इंच का वाइपर, एंड इसका जो पैसेंजर साइड का वाइपर है वो है 16 इंच का। तो आप जब भी वाइपर अपना चेंज करते हैं गाइस, प्लीज सेम साइज यूज करिएगा। अगर आप इसमें लंबा या छोटा यूज करेंगे वाइपर ही खराब होगा, कोई फायदा नहीं होने वाला उसका। तो गाइज, अब हम करते हैं एक एक करके सारे जितने भी इसमें सेटिंग्स है उसकी बात करते हैं, एंड इसके अंदर सबसे अच्छी बात है आपके MID पे भी सारे कंट्रोल्स आते हैं, तो मैं साथ के साथ वहां पे भी एक बार आपको दिखाता रहूंगा। तो गाइज, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं ये ऊपर, इसको हम अगर कंट्रोल को ऐसे करें तो आप देख सकते हैं वाइपर आपका एक बार चलेगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, एक बार वाइपर चलेगा। मैंने वाइपर को शीशे से ऊपर कर रखा है क्योंकि अभी गीला नहीं है, वाइपर खराब होगा मेरा। मैं इसको एक बार अगर ऐसे करूंगा वाइपर एक बार चलेगा एंड रुक जाएगा। गाइज, इसके बाद हम बात करते हैं नीचे की, है इंटरमिटेंट का कंट्रोल। तो गाइज, इसमें होता क्या है, आपके पास ये लीवर रहता है एंड इसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं कि आपका वाइपर कितनी देर बाद रुक रुक के चलेगा। जैसे कि अभी मैंने नीचे कर दिया है, आप देख सकते हैं ये काफी देर लेगा, बीच में रुकेगा एंड फिर चलेगा। जैसे कि देख सकते हैं मैंने अभी बीच में सबसे एंड में कर रखा है, इनफैक्ट वाइपर आप देख सकते हैं चला, अभी ये कुछ सेकंड रुकेगा और फिर चलेगा। इस हिसाब से मैं इसको जितना ऊपर करता रहूंगा इसकी बीच की ड्यूरेशन कम होती रहेगी। अगर मैं इसको कर दूं देखिए टॉप पे, अभी देखिए रुकेगा मुश्किल से आधा सेकंड और फिर चल पड़ेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको करूँ एक बार और नीचे, आप देख सकते हैं अभी कंटिन्यू चलता रहेगा, एंड वही अगर मैं इसको कर दूँ सबसे ज़्यादा नीचे, ये देखिए फुल स्पीड में अपना चलता रहेगा। इसको मैं कर देता हूँ बंद, जैसे ही आप देख सकते हैं ये हो चुका है बंद। अब गाइज, इसके बात कर लेते हैं हम रियर वाइपर की। आपको दिख रहा होगा शीशे में, फ्लैश की वजह से शायद ना दिख रहा हो, मैं आपको इसकी सेटिंग्स एक बार दिखा देता हूँ। इसमें आपको सिर्फ दो सेटिंग मिलती है, लो एंड हाई। अगर मैं इसको लो पे करूँ, आप देख सकते हैं वाइपर चल पड़ा, वो ये लो सेटिंग पे है, ये सिर्फ चलेगा रुकेगा एंड फिर चलेगा। वही मैं बात करूँगा इसके हाई की, इसमें ये कंटिन्यू चलता रहेगा, आप जैसे कि देख सकते हैं ये कंटिन्यू चल रहा है, एंड सेम आपको ये डिस्प्ले पे भी आता रहेगा। आप देख सकते हैं रियर वाइपर हाई लो ये सबको दिखाता रहता है। इनफैक्ट मैं आपको फ्रंट वाइपर का भी डिस्प्ले दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए ये सारा इसके अंदर सेटिंग्स आती है। इंटरमिटेंट की भी ये दिखाता है कि आपकी स्पीड, ये देखिए जैसे जैसे मैं यहाँ पे ये करता रहूंगा ये देखिए ये बढ़ता रहेगा। तो गाइज, ये हो गई है इसके वाइपर की सेटिंग्स की बात। अब मैं दिखाता हूँ, मैंने आपको इसको ऊपर नीचे एंड रियर वाइपर के कंट्रोल दिखा दिया। अब हम बात करेंगे इसको अगर हम अपने पास खींचें और पीछे खींचें तो क्या होगा। अगर गाइज आप इसको अपनी तरफ खींचेंगे तो देखिए, मैं इसको अपनी तरफ खींचूंगा, ये देखिए सामने देखिए पानी आ रहा है, ये मेरे अपने तरफ खींचने पे हुआ है गाइज। अगर मैं इसको पीछे खींचूंगा तो आप देखिए पीछे पानी आएगा, शायद आपको दिखा हो, ये देखिए मैं इसको एक बार बार करके दिखाता हूँ, ये मैंने पीछे किया एंड पीछे पानी आया। तो गाइज, ये हो गई बात हमारे वाइपर के सेटिंग्स की। अब हम एक बार बात कर लेते हैं इसके हेडलाइट्स की। तो गाइज, ये थोड़े से कंट्रोल एक दो चीजें आपको डिफरेंट लगेगी इसके अंदर, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। जो भी हमारी नॉर्मल कार होती है, आप बोल लीजिए टोयोटा मारुति, उनमें आपको ये रहता है कि आप अगर इसको पीछे करते हैं अपनी हाई बीम ऑन करने के लिए तो वो पीछे ऐसे अटक जाता है। इसके अंदर गाइज ऐसा नहीं है, आप इसमें अगर हाई बीम ऑन करेंगे ये वापस स्टॉक अपनी जगह आ जाएगा, ये पीछे जाके अटकेगा नहीं। तो गाइज, ये थोड़ा सा इसके अंदर मुझे डिफरेंट लगा। अब गाइज, ये जो स्टॉक है लाइट का और ये वाइपर का, ये आपके ह्यूंडई के i20 से लेके क्रेटा में आपको ये मिलता है। अब गाइज, इसके सेटिंग्स की कुछ बात कर लेते हैं। पहला इसके अंदर आता है ऑटो। ऑटो का तो आप सबको पता है कि अगर लाइट कम होगी तो ये ऑटोमेटिकली लाइट्स ऑन हो जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ऑटो पे डाला है लाइट ऑन हो गई है। दूसरे का सेटिंग्स की बात करें, ये है इसके पोजीशन लैंप्स। अब गाइज, ये DRLs नहीं है, इससे अगर आप टॉप ऑन लेंगे तो उसके अंदर आपको DRLs मिलेंगी, बट ये लाइट अलग है। मैं एक बार आपको लाइट भी दिखा देता हूँ कैसी दिखती।
भाई जैसे कि आपने देखा वो थी इसकी पोजीशन लैंप्स, और मैं एक चीज आपको और दिखाना चाहूंगा, इसमें भी ये डिस्प्ले पूरा दिखाता है, आप जैसे कि देख सकते हैं ऑटो पोजीशन लैम्प जो भी मैं करूंगा सामने डिस्प्ले पे शो करेगा, इस पे आप कर देंगे तो इसकी हो जाएगी पूरी लाइट्स ऑन जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड गाइस जो चीज मैं आपको कह रहा था, अगर मैं इसको पीछे कर दूं तो देखिए ये वापस स्टॉक आ जाता है, बट कार ही जा चुकी है हाई बीम पे जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसको गाइस आप अगर अपनी तरफ खींचेंगे तो ये तो इसको कहते हैं डिपर। अब मैं इसको कर देता हूं बंद। तो गाइस ये थे इसके कुछ, तो गाइस ये थे इसके वाइपर और लाइट के सेटिंग्स, और इसमें ज्यादा कुछ बताने वाला है नहीं। मेरे एक दो व्यूअर्स ने कमेंट किया था मेरे पुराने वीडियोस में कि आप इसके वाइपर की सेटिंग्स का भी बताइए, तो मैंने सोचा एक बार मैं इस पे वीडियो बना देता हूं। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।